लेकिन गाइस उससे पहले अभी आप स्क्रीन पे देख लो, ये जो मैं आईडी पुश कर रहा था वो मैंने ऑल एस लगा दिया और जो रैंक है वो भी अच्छी खासी करके छोड़ दिया। इस आईडी का तो मैंने कॉन्कर कर दिया। और गाइस एक और बात, जैसे कि ये जो बंदा था अपना सब्सक्राइबर था तो इसे तो अपने पे ट्रस्ट था, बट देखो यहाँ पर इस बंदे की आईडी पे सिंगल लॉगिन था। तो मेरे अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे बंदे ऐसे होते होंगे जो कि पेड पुश करवाते हैं, और मेरे अलावा बंदे भी बहुत सारे हैं जो पेड पुश करते भी हैं। तो गाइस हर कोई बंदा ऐसे ट्रस्टेड नहीं होता, बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे जो कि आईडी वगैरह स्कैम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना जैसे कि इसका सिर्फ सिंगल लॉगिन था एफबी का, तो यहाँ पर अपने दोनों लॉगिन ऐड करके रखा। जैसे कि सभी को बताया आईडी पुश करवाने के लिए अपना एक लॉगिन देना पड़ता है, तो तुम अपना एक लॉगिन किसी को दोगे जो कि स्कैमर होगा, तो अगर वो एक लॉगिन स्कैम कर भी लेता है तो तुम्हारे पास तब भी एक लॉगिन बचता है जिसके थ्रू तुम अपनी आईडी रिकवर कर सकते हो। और रिकवर कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, समझ रहे हो, स्कैमर्स के पास ये सब नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा एक लॉगिन है जो कि ये सब काम करता है। इंस्टाग्राम में मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स आते थे स्कैम से रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने अपनी ये वाली वीडियो में ये सब बताया है कि आप सभी सेफ रहो। यहाँ पर बढ़ते अपने गेम प्ले की तरफ, लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ही मत भूलना ताकि आप कौन करके गेम प्ले मिस ना कर पाओ। यहाँ पर एक बंदा आता है मेरे घर के नीचे, इसको तो मैं इजी भर देता हूँ, लेकिन उतने ही मेरे पास एक और ग्रेनेड आगे फूटता है जो कि सामने वाले घर से आया था, और वो बंदा और भी ग्रेनेड पे ग्रेनेड करे जा रहा है। एक और बंदा अपने पे पुश डालता है, इसको भी यहाँ पे इजी भर देते हैं। सैंडस्टॉर्म में मेरे 2 किल हो जाते हैं, उसके बाद मैं एक बॉट को खेलता हूँ, मेरे 3 किल हो जाते हैं, और जोन की स्ट्रेटजी खेलता हूँ, बट अब जोन डेड जोन बन चुका था, मतलब डेड जोन से ऊपर बन चुका था, तो मेरे को जोन में कोई अच्छी खासी पोजिशन चाहिए जहाँ से मैं अच्छा खासा गेम निकाल सकता हूँ। बट मैं पोजिशन के लिए जा ही रहा था, मेरे को एक बंदा पीछे से अभी अभी स्प्रे पड़ा है, तो मैं थोड़ा सा डैमेज हो जाता हूँ। तो यहाँ पर ना जोन के सेंटर में एक घर था जहाँ पर मैं सोचा था पोजीशन लेने का, बट इतनी हेल्थ लेके नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बंदा होगा गारंटी, तो उससे फाइट निकालना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले हेल्थ वेल्थ फुल कर लेता हूँ। और फिलहाल के लिए मेरे को एक अच्छी खासी पोजीशन मुझे लग रहा था मिल गई है, क्यों ना अभी इधर ही स्टे करा जाए। अभी यहाँ पर मेरे बैक साइड पे एक हैकर है जिसने अभी अभी फायरिंग करा, शायद बंदा मारा नहीं मारा, लेकिन ये बैन हो चुका है और इसकी फायरिंग नॉन स्टॉप चली जा रही है। मेरे को लगा था ये अपना सुनहरा किल मेरे को मिल सकता है, लेकिन मैं उसे मारने जा रहा था, लेकिन उसे कोई और बंदा किल कर देता है। अभी फिलहाल मैं वापस उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ, और अभी फिलहाल इधर ही पड़े रहते हैं। वो जो पोजीशन थी मेरे को थोड़ी डाउन लग रही थी, मेरे को थोड़ा अपर रेंज चाहिए था बंदे अगर स्पॉट करने के लिए, और मैं यहाँ पर आता हूँ तो इधर एक बगे रोटेशन आता है, उसको यहाँ पे इजी किल तो कर देता है। मैं अपना एक बार राइट चेक कर देता हूँ क्योंकि बंदा तो नहीं है, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा जोन के बाहर हूँ, जस्ट 1 मीटर, अभी गाड़ी के नीचे घुस जाऊँगा तो जोन में हूँ, बट ये पोजीशन ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। तो इधर से मैं गाड़ी लेकर चलता हूँ, ऊपर वाली पोजीशन लेंगे। यहाँ पर ये जो ग्रेनेड था मेरा थोड़ा ज़्यादा सा कुक हो जाता है, तो ये बंदा मतलब ग्रेनेड उस बंदे तक पहुँच ही नहीं पाता, तो बंदा बच जाता, और मेरे पास एक ही ग्रेनेड था, मैं सीधा आता हूँ इस पर स्लैम डालता हूँ और इसे किल भी कर देता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे पास UMP थी, मैं अभी फिलहाल इनकी पेटियों से यहाँ पर 2 पेटियाँ पड़ी, एक मेरे सामने भी और एक जिसको मारा उसको M4 लूँगा, और अभी देखते रहो बाकी है गेम, इसमें अच्छी चिकन डे कैसे निकालते हैं।
मेरे राइट पे आके एक बंदे का मतलब एक बग्गी का रोटेशन रुका था और मैं उसका उसका वेट ना बहुत देर से कर रहा था, बहुत देर से, कि ये बंदा कब निकलेगा। और जस्ट जोन स्टार्ट होता है तभी वो बंदा निकलता है, उसको वहाँ पे इजी भरते हैं। और यहाँ पर मैं जोन में आता हूँ एक पोजीशन के लिए, एक पोजीशन मेरे को मिल भी जाती है। बट यहाँ पे आते ये जो जोन शिफ्ट ले चुका है, ये सामने वाले बंदे पर भी नहीं है और मेरे पर भी नहीं है, उसको भी डाउन रेंज जाना है और मेरे को भी जाना है। अभी फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले वो बंदा अपनी बग्गी वगैरह घुमाने लगता है, तो मेरे पे ये एक चांस था इसके पास जाने का और डाउन रेंज जोन में जाने का भी। तो यहाँ पर मैं सीधा इसकी बग्गी के पास आता हूँ, इसे तो ईजी भर देते हैं। और यहाँ पर सेकेंड बंदे ने भी मेरे पर पुश कर दिया है। तो यहाँ पर इसे इजी किल कर देते हैं और ये 8 किल्स पे मेरे को चिकन डिनर मिल जाता है। और साले मैच में भी मेरे को अच्छा खासा प्लस देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेकंड गेम प्ले। यहाँ पे इस बंदे का तो मेरे ख्याल से भर के माइनस लगा होगा, इसको स्कैप चैम भी नहीं मिला था। ये बंदा भाग ही रहा था, घर के अंदर घुसने वाला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज ये पहले से भी था और एक दो गोली मेरी भी पड़ जाती है। फिलहाल एक किल तो अपने को मिल जाता है। और ये जो यहाँ पे मोमेंट था ना, मतलब एकदम हार्ट अटैक वाला मोमेंट था, क्योंकि मेरे पास ना चैलेंज पॉइंट थे ना ही मेरे पे कार्ड्स हैं, जो कि मेरे को माइनस लगने से बचाए। और यहाँ पर मेरी 78 रैंक पर ही फाइट हो जाती है। फिलहाल ये वाली फाइट निकालने के चक्कर में थोड़ा तो मतलब लगा था, समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत तो लगता ही है। फिलहाल ये वाली फाइट निकाल, यहाँ पे देखना क्या ही भारी सीन होता है। यहाँ पर मैं चुपचाप बैठ के कुछ काम कर रहा था, मेरे साइड से गाड़ी आ रही है और ये बंदा यहाँ पे आके रुक भी जाता है। फिलहाल मेरे पास उस लेवल की लूट भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इस पे लेवल, यहाँ पर इस पे अंधी लूट थी। फिलहाल इसकी पेटी लूटते हैं मज़े में। और यहाँ पर मेरे को लूट जो भी चाहिए थी सब कुछ मिल जाता है। और मेरे को जोन के सेंटर में एक मस्त सा शैक भी मिल जाता है, जो कि बिल्कुल खाली था। अभी फिलहाल इधर ही होल्ड करते हैं जब तक जोन है। यहाँ पे पहली बात तो मेरी बैक साइड वाले बंदे ने डासिया फोड़ दी, और यहाँ पर इस सामने वाले बंदे को मैंने इतनी तो बॉडी मारी थी, और लास्ट में जाते जाते इसे एक हेड भी कनेक्ट हुआ था। बट पता नहीं कौन सी बाबा की बूटी का आगे बैठा था, बंदा मरता ही नहीं है इतना डैमेज देने के बाद भी। और ये बंदा वहाँ जाके रुकता है और गाड़ी से कूद के, अगर किल फीट देखी होगी तो एक बंदा गाड़ी से कूद कर ही मर जाता है फिलहाल तो। यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है जोन के बाहर से आता हुआ, उसको तो मैं इजी किल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं बैक साइड पे इस यूएमपी वाले बंदे ने एक बंदे को मारा था, मेरे को मतलब उस बंदे को मारते खुद भी बैन हो जाता है, और उसको तो मैं इजी किल कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे को मेरे सामने एक बंदा स्पॉट होता है पत्थर पे, इसको मैं जैसे ही स्पॉट करता हूँ ये बंदा पत्थर के पीछे हो जाता है। और अभी थोड़ी देर टाइम में मेरे को जोन में भी निकलना है, और जोन में जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसने यहाँ पर अभी शिफ्टिंग करी, फिलहाल वो बंदा तो शायद से जोन में, और अभी मेरे को जोन में जाना है। यहाँ पर मैं स्मोक की वॉल बना के शैक तक तो आ जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे को व्हीकल मिल जाती है
तो यहाँ पर इस बंदे को मारना ठीक नहीं लगा मेरे को, क्योंकि बंदा जोन के बाहर भी था। राइट पे चलते हैं, इस बंदे को अगर मैंने मार दिया जिसने राइट से भी फायर करा था तो मेरे को अच्छा खासा पोजीशन और जोन भी मिल जाएगा, तो उस बंदे को मार के मैं इजी चिकन तो ले ही लूँगा। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को ढूंढता हूँ और ये बंदा मेरे को मिल भी जाता है, इसको इजी किल करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा जो कि सामने साइड था, अभी वो बंदा देखो जोन में तो आ जाता है और इसे कैसे किल करते हैं। मेरा पूरा ध्यान तो स्मोक पर ही था क्योंकि बैक साइड पे स्मोक हुआ था, तो मेरे को लगा था बंदा स्मोक में, स्मोक हटते मेरे को इजी किल मिल जाएगा, लेकिन मेरे को पत्थर पे हलचल दिखती है। तो बंदा पत्थर पे पता नहीं कब आया और कैसे आया, शायद सांप बन बन कर ही आएगा, लेकिन ये बंदा दिख जाता और उसको इजी किल कर देता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।